अजमेर के नसराबाद से जहां कपासन की ओर से अजमेर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि कार में सवार दो महिला सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां सभी घायलों को हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी घायलों को उपचार देकर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया। कार हादसे में घायल एक महिला की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सभी कार सवार लोग कपासन से अजमेर की ओर जा रहे थे। आपको बता दें कि हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित जड़वासा पुलिया का है, जहां कार चालक को अचानक नींद की झपकी आने से कार असंतुलित हो गई और डिवाइडर में जा घुसी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है।